जब मैं 6th क्लास में था तब एक दिन बारिश हो रही थी और मैं वापस घर जा रहा था। मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और रास्ता एक कब्रिस्तान से होकर जाता था। वो कोई डरावना कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि वहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना लगा होता था। मुझे याद है, मैं एक बेंच के पास से गुजर रहा था जिस पर 3 लोग बैठे हुए थे। उनमें से एक उठकर मेरे पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे मुड़कर देखते ही उस आदमी ने तुरंत अपनी आंखें नीचे कर लीं। उसकी वर्दी भी उसके साथ बैठे बाकी दोनों लोगों की तरह ही थी। उसकी वर्दी पर लिखा था फरदीन। बाकी लोग आते जाते गए, मगर वो अब भी मेरे पीछे ही चल रहा था। मुझे चिंता होनी शुरू हो गई। काफी ठंडी बारिश है, नहीं? मैंने मुस्कुराकर सहमति जताई। मैं अपने घर के करीब आ चुका था और बारिश और भी तेज हो चुकी थी, मगर वो आदमी अब भी मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मुझे बहुत डर लगने लगा, इसलिए मैंने उसी जगह से दौड़ना शुरू कर दिया। इस चीज से उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भी अपना छाता फेंक कर मेरे पीछे दौड़ने लगा। मेरी पीछे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने दरवाजे पर पहुंचते ही सीधे चाबी निकाली और घर के अंदर आ गया। जब मैंने उसे देखा तो वो आदमी अब भी गुस्सा था और भीगा हुआ सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। फोन करते हुए जैसे ही मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो जा चुका था। जब मेरी माँ घर आई, मैंने उनको सारी बात बताई। उन्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस पूरी रात मैं सो न सका। बाहर बादल चमक रहे थे और बीच बीच में मैं मेरी कमरे की खिड़की के जरिए तमाम परछाइयों को देख रहा था। तभी अचानक मैंने एक आदमी का साया देखा और मेरा दिल मेरे गले में आ गया। मैंने धीमे धीमे चलना शुरू कर दिया और जब मैं बाहर वाले दरवाजे तक आया, तभी खिड़की के बाहर एक हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक चेहरा दिखा। वो चेहरा फरदीन का था। मैं तुरंत अपने कमरे में भागा और उसे अंदर से बंद कर लिया। उस रात के बाद से मैंने कभी फरदीन को नहीं देखा, लेकिन आज भी जब मैं उसी तरह की नीली वर्दी देखता हूं तो मुझे वो दिन याद आ जाता है।